भारत के वजीर खारजा जो हैं ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं। 125 ममालिक को लीड करने वाला है, 125 टॉप ममालिक के लीडर्स को लीड करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत। आप देखिए कि इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई भी ग्लोबल मीटिंग होती है पाकिस्तान को किसी भी जगह पे भी शामिल नहीं किया जाता। डॉक्टर जयशंकर ने एक थप्पड़ भी मार दिया उनके मुंह पे, उनका चलो निकलो यहाँ से। प्रेसिडेंट बाइडेन आएगा इंडिया तो वो कहेगा हम यूएन, इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट डालेंगे। अभी मैं देख रहा था पोर्चुगल के प्रेसिडेंट जो हैं वो यूएन में कुछ स्पीच कर रहे थे इस साल सितंबर में, तो वो कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया कह रहा था, तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। तो मींस के इतना उनको मोहब्बत दी जा रही, इतनी प्यार इंडिया को दिया जा रहा है, इसके क्या फैक्ट्स है कि दुनिया में इंडिया की इतनी इज्जत बनती जा रही है सर? हम कैसे अपने आप की रेलेवेंस रख सकते हैं, हम क्या अफगानिस्तान के बारे में भी बातें करते रहेंगे? अभी हमारी इकोनॉमी कहीं पर भी नहीं है, 47वें नंबर पर हम खड़े हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक हमसे आगे हैं, भारत 5वें नंबर पे है। उसमें भारत की गलती नहीं, उसमें हमारी गलती है ना, उसमें आप इंडिया को नहीं कह सकते। जो डोजियर बनाया है और वो कह रहे हैं अनवारुल काकड़ साहब कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे भारत के खिलाफ कि वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी तो शायद बहुत ही खुश है इनके ख्याल से। इस चीज को आप तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया तरक्की में आगे जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल तस्लीम कर रहे हैं सर। इंडिया अगर यूएनएससी का मेंबर बनता है, परमानेंट मेंबर बनता है, पाकिस्तान के लिए तो मसले ही मसले शुरू हो जाएंगे ना। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय यूके के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बात की। भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अभी देखा जा रहा है कि दुनिया के कई बड़े देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत के हक में बात कर रहे हैं। वहीं पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि अगर भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बन जाता है तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। भारत के वजीर खारजा जो हैं डॉक्टर जयशंकर, वो इंग्लैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में बार बार इंटरनेशनल सिस्टम की तो बात कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया के साथ, और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं और इन चीज़ों के ऊपर, और वो अपनी इंडिया की एक पॉलिसी जो है उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल एक ही चीज़ कह रहा है कि जी हमें अफगान तालिबान को के कारोबार आज बंद कर देने हैं, हमने जो है वो जैसे बोलते हैं कि मौका आखिरी एक टाइम दे दिया है अफगान तालिबान मिलिटेंट्स को कि वो हमारे जो मुल्क छोड़ जाएं, जो मिलिटेंट्स हैं वो मुल्क छोड़ जाएं और जो इलीगल हैं वो वैसे छोड़ जाएं और अफगानिस्तान को हम जो है वो अब चांस नहीं देंगे। देखिए ये दो बड़ी डिफरेंट कंट्रडिक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, कि इंडिया आज क्या प्लान कर रहा है और हम क्या प्लान कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है जी मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करें, जिसे वो कहते हैं ना दैट्स दी ओनली ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म मल्टीलैटरल अप्रोच, विच मींस बेसिकली वो कह रहा है कि ये चाइना अकेला ना साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, और अमेरिका अकेला ना इस खत्ते में और उस खत्ते में फैसले करे, सानू भी नाल बाया करो, ठीक है जनाब। सो ये एक दैट्स व्हाट दे बिलीव एंड दे बिलीव इंडिया कैन कॉन्ट्रीब्यूट डेमोक्रेटिक वे एंड एन इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कॉमन मुताबिक दैन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से भी आता है कि ये इंडिया को कैसे इख्तियार है कि वो ये कहे कि वो साउथ एशियन रीजन में से उसने जाके करना है, लेकिन ये इख्तियार ऐसे ही है कि जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन आएगा इंडिया तो वो कहेगा हम यूएन, इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट डालेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ओबामा आएगा तो वो यही कहेगा, ट्रंप आएगा तो वो यही कहेगा। अभी मैं देख रहा था पोर्चुगल के प्रेसिडेंट जो हैं वो यूएन में कुछ स्पीच कर रहे थे इस साल सितंबर में, तो वो कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया कह रहा था, तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। बल्कि अब जारी बात है किसी ने पाकिस्तान की बात तो नहीं करनी कि इनको यूएनएससी का मेंबर बनाएं या उनके साथ इस तरह की चीज़ करें,
तो ये क्वेश्चन है कि जी वो ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन, इंडिया कहता है जी इस खत्ते में हम ही हैं, चाइना तो ऑलरेडी है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि भाई ये इंडिया अगर यूएनएससी का मेंबर बनता है, परमानेंट मेंबर बनता है, पाकिस्तान के लिए तो मसले ही मसले शुरू हो जाएंगे ना। और वो जो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस इंडिया का होगा वो तो वी वॉन्ट बी इन अ पोजिशन टू मैच इट इन एनी वे। पाकिस्तान उसको कभी कहीं मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की वो कैपेसिटी नहीं होगी उन चीज़ों को करने के लिए, वो तो उन प्लेटफॉर्म्स में जहाँ पे हमारी एक्सेस ही नहीं है और ऑलरेडी वो उन प्लेटफॉर्म्स पर चला गया हुआ है। और इंडिया कह रहा है जी सिंस वर्ल्ड वॉर टू, अभी आप देखें वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है जो कंटेम्प्रेरी जियो पोलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज हो चुका हुआ है और दुनिया की जो बड़ी लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है उसको मौका दिया जाना चाहिए इस चीज़ के हवाले से। और ये चीज़ इंडिया बार बार जिसे वो कहते हैं ना कह रहा है, इसके ऑब्वियसली इट हैज़ ए ह्यूज सिग्निफिकेंस, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि ये चीज़ है। सो 1945 के बाद अभी डॉक्टर जयशंकर इंग्लैंड में इस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे हैं जी कि चीज़ें बदलनी चाहिए, 1945 के बाद चीज़ें नहीं बदल रही, एक ख़ास किस्म की मोनोटनस है, हमें उन चीज़ों से आगे निकलना है जिसे वो कह रहे हैं। आप देखें ना डॉक्टर जयशंकर अगर इंडिया अमेरिका के बारे में ये कह रहा है, दैट इज़ अ नॉट अ डिक्लाइनिंग पावर बट दैट इज़ अ कंट्री विच इज़ री इन्वेंटिंग इट सेल्फ, तो उसके इस बात की वैल्यू तो वर्थ आपको मिलेगी। लेकिन इफ़ समबडी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान सेज दिस दैट, तो हम क्या कहेंगे अमेरिका के बारे, हम कहेंगे ओए तुहानू असी मुदाखलत नहीं करन देंगे, ओए असी इंज नहीं करन देंगे। सो दैट मेक्स द केस कि हम किस तरह अमेरिका के बारे में बात करना चाहते हैं और वो इंडिया जो है वो अमेरिका के बारे में किस तरह बात करना चाहता है, वो थ्रेटिकली एक और एंगल से बात करते हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो सारा टाइम जो है वो सियासी अंदाज में से अमेरिका के बारे में बात करती है या और जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं उनके हवाले से सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होगा जो कि बाकी जिसे कहते हैं ना चीज़ें होंगी, उसका सिर्फ इस चीज़ से ताल्लुक होगा कि बस फाड़ लो अपने मुल्क में कर देनी है। सो हमें इस चीज़ को वी हैव टू मेक इट श्योर कि भाई हाउ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हम कैसे अपने आप की रेलेवेंस रख सकते हैं, हम क्या अफगानिस्तान के बारे में भी बातें करते रहेंगे।